हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फौजन की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। तो भाई, मैंने गर्म पानी पी लिया है उठ के, और मैं नहा धो के देखो रेडी होके आ गई हूँ। फ्रॉक टाइप मैंने आज जो कि सूट वेयर किए हैं। और पापा जी चले गए सब्जी मंडी सब्जी लेने। हमारे घर आज कुछ भी नहीं बचा हुआ था, बहुत दिन हो गए थे ऐसे ही कुछ ना कुछ यूज़ करके काम चला रहे थे। तो पापा जी के आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी मंडी से। तब तक मैं घर का थोड़ा कुछ काम कर लेती हूँ अपना। वही लेडीज़ का तो वही वर्क है भाई, झाड़ू वगैरह, घर का वही डेली रूटीन होता है। तो मैं आपको कुछ आज मैं स्पेशल बनाने वाली हूँ सब्जी में। तो मैं आपको सब्जी की रेसिपी भी दिखाऊंगी, और पापा जी सब्जी लेके आ जाएंगे तो वो भी दिखाऊंगी। पापा जी सब्जी मंडी से जो सामान लाए थे मैंने वो आपको दिखा दिया है। और अब चलते हैं किचन में कुछ बनाने के लिए, जो कि मैंने आज स्पेशल कुछ सोचा है वो रेसिपी बनाएंगे, और वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो भाई, ये पालक ले लिया मैंने, पालक काट दी है छोटे छोटे हिस्सों में, और इसको मैं रख दूंगी अब उबलनी कुकर में। और भाई, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे कुकर में हम, आधा गिलास पानी डालेंगे। साथ में भाई निकाल रही हूँ मैं पनीर। इस तरफ हमारी जो है पालक उबल रही है, तो ये देखो मैंने पनीर निकाल दिया है। देखो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, और हमारा पनीर अलग हो जाएगा। मैंने लस्सी डाल के पहले दूध उबाला, फिर लस्सी डाली, और ये हो जाएगा पनीर बढ़िया निकल के रेडी। उधर मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं, प्याज टमाटर सॉफ कर दिए हैं। अब पालक को निकाल लूँगी, निचोड़ूंगी, और फिर ठंडी होने के बाद ग्राइंड करूँगी मिक्सी में। तो ये भाई ग्राइंड के लिए मैंने इसमें सब कुछ डाल लिया है। तो भाई, ये प्याज टमाटर मैंने कुछ चॉप कर लिए, पालक मेरी उसके ऊपर बॉईल हो रही है, ये मैंने पनीर निकाल लिया है। तो भाई, इसमें मैंने प्याज टमाटर के साथ सारे मसाले डाल लिए, अब मैंने पीस के और एक बाउल में निकाल लूंगी। मसाला पीस लिया, इसमें अदरक लहसुन और लाल मिर्च हम यूज करते नहीं, हरी मिर्च और सब कुछ पेस्ट है, जो भी जीरा वीरा सब कुछ डाला, फिर भी अलग से डालूंगी उसमें जीरा। और ये मेरी पालक भी पीस चुकी है उबाल के। तो भाई, इसमें मैंने सब कुछ मिला दिया जो भी हम सब्जी में डालते हैं। तो मैं जल्दी से ऑयल भून के और ये मसाला फिर भूनती हूँ। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया, मैंने डाल दिया जीरा। जीरा तड़कने के बाद मैं डालूंगी ये, और ये थोड़ा ये हो जाता है ग्रेवी घाटी कर देगा ये वाली चीज़ें जो हमारी, तो इसलिए मैंने कुछ चॉप किए हैं और कुछ काटे। तो जीरा हमारा हो गया बढ़िया था। तो अब डाल देते हैं हम प्याज, और प्याज को बिल्कुल गोल्डन कर रही हूँ, और ये टमाटर, पहले प्याज को गोल्डन कर दी, फिर टमाटर डाल रही हूँ। तो ये दोनों पेट के अंदर लेकर प्याज हमारे गोल्डन हो गए हैं। अब हम डाल देंगे सारा मटेरियल, जिससे हमारा मसाला बिल्कुल बड़ा तरह बन जाएगा। ये जो मसाला हमें ये बहुत अच्छी तरह बनना है, इसके ऊपर हमारी जो सब्जी है वो हो भी जाता है। तो भाई, ये पनीर देखो मैंने बिल्कुल मैश कर लिया है, ताकि ये पीसेस में भी कर सकते हो आप, बट मेरे को ऐसे पसंद है चूरी करके थोड़ा। तो तब तक हमारा मसाला रेडी हो रहा है। तो भाई, इस मसाले में से बिल्कुल ये देखो ये सारी ऑयल छोड़ जाएगा, इसका मतलब हमारा जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा। फिर जब ये अच्छे से बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगा, बट अभी रहता है थोड़ा सा ही पकना। तो भाई, ये देखो बिल्कुल साइड से जो भी ऑयल छोड़ने लगी हमारी सब्जी, देखो आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा और फिर भी हम पकाएंगे, फिर हम डाल देंगे इसके अंदर पालक। तो भाई, मैंने पालक इसमें डाल दिए, तो ये पालक बढ़िया तरह भून रही है अब हमें। वैसे तो हमने सारा मसाला अच्छी तरह किया है, बट ये भी बढ़िया तरह करेंगे हम। इसको थोड़ी देर अच्छे से मिक्स होने देंगे मसाले के अंदर, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे पनीर। और ये हमारी सब्जी है जो कि बन के रेडी हो चुकी है, बट इसमें एक कमी थी क्योंकि हमारे पास पनीर कम था, तो इसकी वजह से देखो आपको पनीर थोड़ा कम दिख रहा होगा। तो आप पनीर की क्वान्टिटी ज़्यादा कीजिए, बस हमारी सब्जी रेडी है। तो आप बताना कैसी लगी आपको रेसिपी। तो भाई देखो, पापा जी ले आए हैं शकरकंदी हमारे लिए खाने के लिए, और ये लेके आए हैं मटर, और ये मूली गाजर जो भी हमारी सब्जी रहेगी ये सब ले आए हैं। देखो सारा मटेरियल इतनी ठंड में जाके भाई सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश लेके आए हैं, क्योंकि सुबह सुबह भी बढ़िया मिलती हैं, और वैसे तो फ्रेश नहीं मिलती है। मैं खेत से लेके आई थी, तो
रखी हुई है, और ये पापा जी फ्रेश लेके आए, बिल्कुल पतली पतली बढ़िया वाली। भाई घर का काम हो गया फिनिश, अब मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। किसी को पीनी हो तो भाई ठंड में आ जाओ भैया, आज भी ठंड हो रखी है देखो इतनी सारी, पता नहीं कब जाएगी ठंड। तो गाइस अगर व्लॉग भाई आप इतनी पूरा दिन कैमरा लेके इतनी मेहनत करके घूमते हैं तो भाई प्लीज़ व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय कॉफ़ी के साथ, टेक केयर।